हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड, क्वेश्चन बोल रखा है हमें कैपेसिटी निकालनी है लीटर के अंदर कॉनिकल वेसल की, कोशिकाकार बर्तन है जिसकी रेडियस है 7, लेंथ टाइट है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले पार्ट की हम डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड, बेसिकली ये होता है मेरा कोण कुछ इस तरीके का। ठीक है, जो वर्टिकली होती है ये होती है मेरी एच यानी कि हाइट, ये होती है मेरी रेडियस और ये होती है एल, एल यानी कि स्लैंट हाइट। क्वेश्चन में रेडियस गिवन कितनी है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर, इसमें हाइट मिसिंग, हाइट गिवन नहीं है और बेसिकली इसकी कैपेसिटी पूछी है। फ्रेंड, हमें इसकी कैपेसिटी का मतलब होता है हम इसमें कितना पानी स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली ये जो मेरी शेप होगी कुछ इस तरीके से होगी कॉनिकल। ठीक है, ये जो होगी मेरी एल होगी, ये सेंटर सर्कुलर पार्ट है, यहाँ से जाने वाली कौन होगी रेडियस होगी और जो वर्टिकली होगी इसके अंदर से जा रही होगी उसे क्या बोलेंगे एच। अब मैं ये बताऊँ आप, अगर पूछूँ कि इसके अंदर कितना पानी मैं स्टोर कर सकते हैं, कितनी आइसक्रीम फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे को इसकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। अब h तो इसमें मिसिंग है, नहीं रखी तो h को निकाल लेंगे हम। अब h निकालने का एक रिलेशन होता है कि एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर। एच तो मालूम नहीं है बट आर मालूम है, कितनी है 7 एंड एल कितनी है 25। 25 को 25 से किया कितना आया 625 एच स्क्वेयर, 7 × 7 = 49 प्लस का है उधर एक इसको आ जाएगा माइनस का, 625 में से 49 माइनस किया कितना है 576, इसके ऊपर स्क्वेयर हटेगा सामने वाले पे रूट, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आगे इसकी h, r दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड h मैंने निकाल ली 24 सेंटीमीटर और पूछी इसकी कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी को हिंदी में बोलते हैं धारिता, यानी बेसिकली वॉल्यूम ही निकालना, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला πr² h। ठीक है, 1/3 πr² h, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r दे रखा 7 बट स्केयर लगा इसलिए 2 बार, एच दे रखा 24। ठीक है, 7 × 7 कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 22, 7 × 8 = 56, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से तो ये मेरा आ जाएगा 1232 cm³। ठीक है, आ गया, लेकिन मेरे को इसको लीटर में बताना है। तो हमें पता है फ्रेंड कि एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर के। ठीक है, इस रूल को फॉलो करते हुए 1232 में डिवाइड दे देंगे 1000 का, 3 0 है तो डेसिमल 3 नंबर इधर आएगा 1.232 लीटर, यानी हम इसके अंदर इतना पानी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था मेरा फर्स्ट पार्ट, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सिमिलरली सेम ऐसे ही कौन है, इसमें दे रखा है हाइट है मेरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल दे रखी है 13 सेंटीमीटर बट इस क्वेश्चन में मेरी आर मिसिंग है, क्या मिसिंग है आर, आर निकालेंगे, फॉर्मूला तो मैं वही यूज़ करूँगा एल स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर, एल है 13 एच 12, आर मालूम नहीं है, 13 को 13 से क्या 169 144, आर स्क्वायर प्लस का है इधर एक्स को आ जाएगा माइनस का। ठीक है, 169 में से 144 को माइनस करेंगे 25, इसके ऊपर स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, और 25 का रूट कितना होता है 5, आर निकल के आ गया। एच क्वेश्चन में दे रखे 12 सेंटीमीटर, अब इसकी क्या निकाल लेते हैं कैपेसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारिता, फॉर्मूला आता है 1/3 πr² h, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5, एच की वैल्यू 12। ठीक है, कटे तो काटो 3 × 4 = 12, ठीक, एंड 22 × 5 = 110, 110 से 5 = 550 × 4 =
अपॉन में 7, ठीक है। 550 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो मेरा करीबन आ जाएगा 2200 बाय 7, ठीक है। 2200 बाय 7, अभी भी कटे तो काट लो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं, ये मेरा आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब लीटर में कन्वर्ट करना, वही लॉजिक यूज़ करेंगे, ठीक। डिवाइड करेंगे हम इसके अंदर 1000 का, ताकि आंसर किस में आ जाए, लीटर में आ जाए। 20 से 20 कट गया, ठीक है। अब 2 से काटा, 2 5 10 11 7 5 35, इतना लीटर उसमें पानी स्टोर किया जा सकता है। तो फ्रेंड इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और फ्रेंड अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।